ओम परमात्मने नमः। 20वें अध्याय में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो उद्धव जी ने कहा कि कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है, उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है, कुछ के करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद प्रतिलोम अनुलोम रूप वर्ण संकर कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य देश आयु काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं है कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद ही पितर देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्ग दर्शक का काम करता है, क्यों उसी के द्वारा स्वर्ग मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है, क्या साधन है, इसका निर्णय भी उसी से होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद वृद्धि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है, यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो जा रहा है, आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकाधिक भेद से तीन प्रकार के योगों का उपदेश दिया है, वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, मन दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्मयोग के अधिकारी हैं। तो जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है न अत्यंत आसक्त है तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वो भक्ति योग का अधिकारी है, उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं उनके अनुसार अभी तक कर्म करना चाहिए, जब तक कर्ममय जगत और उसे प्राप्त होने वाली स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिने किसी आशा कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल वेद कर्मों का ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और रागादि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्यों इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और न नरक की, और तो क्या, इस मनुष्य शरीर की भी कामना ना करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परंतु
आसक्त जीव दुखी भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को छीन कर रहे हैं, यह जानकर जो भय से कांप उठता है वो व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर उसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त सुख फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करते रहते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता वो तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधःपतन कर रहा है। तो प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर समझा बुझाकर फुसलाकर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणियों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र ना छोड़े, उसकी एक एक चाल एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए, जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसला कर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसला कर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना भी परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बतलाया गया है उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। तो जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझ कर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है छोड़ देता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा धारणा, ध्यान, समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्वों का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है, और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृच, चंद्रायन आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करें। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विद्या विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषय आसक्ति का परित्याग हो जाए। क्यों? कि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल हैं। शास्त्र का तात्पर्य उसका नियंत्रण नियम ही है। जहां तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। तो जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो, यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले परंतु उसे सच्चे हृदय से दुख जनक समझे और मन ही मन उसकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य समझे। साथ ही
इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा दृढ़ और निश्चय प्रेम से मेरा भजन करें। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कर्म वासनाएं सर्वदा क्षीण हो जाती हैं। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती, उसका कल्याण प्राय मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योगाभ्यास दान धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है वो सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं को कुछ चाहते ही नहीं, यदि मैं उन्हें देना चाहता हूं और देता भी हूं तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, वो केवल मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निःश्रेयस परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है, इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता, इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं। क्यों? कोई पर ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। अतः 20वां अध्याय समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।